नमस्कार, श्रीयुग न्यूज देख रहे हैं आप। जिस दुनिया की 20 बड़ी खबरों के साथ मैं आपके साथ प्रिया सिंह। औरंगाबाद साइबर पुलिस को मिली बड़ी सफलता, 8 साइबर फ्रॉड गिरफ्तार, कई फर्जी एटीएम, अवैध पासबुक, 3 लैपटॉप जब्त। सीने पर 21 कलश रखकर मां दुर्गा की आराधना, पटना के नौलखा मंदिर में 28 साल से बाबा नागेश्वर कर रहे हैं तप, बोले माँ के आशीर्वाद से सब होता है पूरा। पटना के संपत चक में बिहार का सबसे ऊंचा पूजा पंडाल बेगूसराय के बड़की माता मंदिर के तर्ज पर बना है पंडाल, 15 मुस्लिम कारीगरों ने किया तैयार। नल एसी सोफा चोरी का आरोप लगाने वालों का प्रोफाइल तैयार है। बंगला विवाद पर बोले तेजस्वी, सबको नोटिस भेजूंगा, भवन निर्माण विभाग को भी बनाएंगे पार्टी। जन सुराज की एंट्री से अलर्ट हुए नीतीश, 2020 में चिराग के कारण 25 सीटों का हुआ था नुकसान, इस बार है पीके के निशाने पर। पटना में इस बार बिहारी अंदाज में दिखेगा रावण, 80 फीट की होगी ऊंचाई, आगे पीछे रहेगा चेहरा, 45 मिनट तक चलेगी आतिशबाजी, 25 लाख रुपए हुए खर्च। तेज प्रताप बोले इस्कॉन के काले कारनामों की लंबी लिस्ट है, होटल में लड़की संग पटना के इस्कॉन के अध्यक्ष का वीडियो पोस्ट कर कहा मामला दबाया जा रहा है। ब्याज दरों में लगातार 10वीं बार बदलाव नहीं, यानी लोन महंगे नहीं होंगे, ईएमआई भी नहीं बढ़ेगी, आरबीआई ने रेपो रेट 6.5% पर रखी बरकरार। जम्मू कश्मीर में सेना के दो जवानों का हुआ अपहरण, एक जवान आतंकियों के चंगुल से भाग निकला, सर्च ऑपरेशन जारी, 2020 में भी ऐसी घटना हुई थी। हरियाणा में रिकॉर्ड तोड़ तीसरी बार भाजपा सरकार, नायाब विजयादशमी पर लेंगे शपथ, जम्मू कश्मीर में एनसी कांग्रेस सरकार, उमर लेंगे सीएम पद की शपथ, तारीख तय नहीं। हरियाणा में बीजेपी की हैट्रिक, 4 महीने में 3 राज्यों में चुनाव, अगली चुनौती महाराष्ट्र, झारखंड और दिल्ली, 6 राज्यों की 28 सीटों पर उपचुनाव भी होने हैं। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक आज, जो महंगाई भत्ता 4% बढ़ सकता है, पिछली मीटिंग में रेलवे कर्मचारियों को 78 दिनों के बोनस का हुआ था ऐलान। कोलकाता रेप मर्डर केस, डॉक्टर एसोसिएशन की देश भर में भूख हड़ताल, मेडिकल कॉलेज के 50 डॉक्टर्स का इस्तीफा, कहा सरकार उनकी सभी 9 मांगे करे पूरी। हिजबुल्ला ने पहली बार सीज फायर की मांग की, गाजा में जंग रोकने की शर्त भी नहीं रखी, इसराइली सैनिकों ने साउथ लेबनान में फहराया झंडा। इसराइल हमास जंग में खंडहर में तब्दील हुआ गाजा, एक साल में 60% इमारतें हुई तबाह, दोबारा बनाने में 80 साल लगेंगे। हिजबुल्ला चीफ नसरल्लाह के उत्तराधिकारी सैफुद्दीन की मौत, पिछले हफ्ते स्ट्राइक में मारा गया, इजरायली प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने की पुष्टि। धरती को बचाने के लिए बना नया हथियार, एस्टेरॉयड को रोकने का एक्सपेरिमेंट सफल, लेकिन इंसानों के लिए बन सकता है आफत। नुक्कड़ नाटक करके 75 रुपए कमाते थे अप्पू सिंह, मुंबई की ट्रेन छूकर खुश हो जाते थे, 4 रात स्टेशन पर सोए तो 4 घर खरीदे, बताई पूरी कहानी। इंडिया वर्सेस बांग्लादेश दूसरा T20 आज दिल्ली में, बांग्लादेश से एकमात्र T20 हारा है भारत आज यही मुकाबला। वुमेन्स T20 वर्ल्ड कप भारत वर्सेस श्रीलंका मैच आज, इंडिया को सेमीफाइनल में पहुंचाने के लिए चाहिए बड़ी जीत। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए श्रीयुग न्यूज के साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।